हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों में छिपा के रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रसंसा करने के योग्य है। उसी के हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार हुआ है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हम सभी को मुफ्त में इनाम में दे दिया है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियजनों, जब दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, गरीबी में है, बीमारी में है, हताश है, निराश है, दुख में है, तकलीफ में है, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको यीशु मसीह से बताना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। यीशु मसीह ने कहा है, मैंने तेरे दुखों को निश्चय मैंने अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने हमारा पाप, हमारे गुनाहों का बोझ, बीमारियों का बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियजनों, वो कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, बलिदान हो गया हमारा प्रभु, और तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, वह जीवित परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, हम सभी लोग जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। वह महान है, वह दयावंत है, वह न्यायी है और दयालु है और न्यायी भी परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, जो भी सभी से पाप, गलती, गुनाह हुए हैं, तो आज आपको यीशु मसीह से बोलना है, परमेश्वर से बताना है। यीशु मसीह के पास अधिकार है कि वह हम सभी के पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को क्षमा कर सकता है। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजनों, जब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बोलना है। इतना महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, करुणा निधान परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में है। यीशु मसीह वह जगत की ज्योति है, यीशु मसीह वह जगत की ज्योति है। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कि मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह महान है, वह दयालु परमेश्वर है, वह राजाओं का राजा है, करुणा निधि परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियजनों, मतलब संकट संकेति में है, डर है में है, भय में है, बीमारियों में है, गरीबी में है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आज आपको यीशु मसीह से बोलना है, आज आपको परमेश्वर से बोलना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो आपके आंसुओं को पोछेगा, आपकी गरीबी को दूर करेगा, आपकी तंगी परेशानी को दूर करेगा। हमारा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, वो अल्फा ओमेगा है, वो आदि और अंत है। उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उसी के द्वारा हम सभी लोग नया दिन देखते हैं, हर एक दिन देखते हैं। वही हम सभी को सुंदर समय, सुनहरा अवसर दिखाता है अपने पापों से मन फिराने के लिए। इतना महान परमेश्वर है, इतना करुणा निधान परमेश्वर है, हम सभी से इतना प्रेम करता है, असीम प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसने साबित करके दिखा दिया कि उसने हमसे इतना प्रेम किया, उसने अपना कीमती रक्त बहा दिया, उसने जान तक अपनी दे दी। मेरे प्रियजनों, सिर्फ हमारे कारण, हमारे पाप के कारण, हमारे प्रेम के कारण। मेरे प्रियजनों, वो इतना महान परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या जरूरतें हैं, पिता हमारा जानता है। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजनों, यदि आप टूट चुके हैं, किसी बात को लेकर टूट चुके हैं, चिंतित हैं, कर्ज में हैं, बोझ में हैं, बोझ में दबे हैं, मेरे प्रियजनों, तो आज आपको यीशु मसीह से बोलना है। वो इतना महान परमेश्वर है, वो करुणा निधि परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे रोगों को, तेरे दुखों को, तेरे बीमारियों को ज्यों का त्यों कर दूंगा, बस तू मेरी आज्ञाओं को मान, मेरी आज्ञाओं को मान। यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम सभी यदि यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो हमें पिता की आज्ञाओं को मानना है, यीशु मसीह के वचनों पर चलना है। यीशु पिता ने कहा है, व्यभिचार न करना, गाली न देना, झूठ न बोलना, चुगली न करना, इसी तरह की और बहुत सारी आज्ञाएँ, 10 आज्ञाएँ यीशु मसीह ने दिया है। वो आज्ञाएँ हमारे पर परमेश्वर ने बोझ नहीं दिया है, वो आज्ञाएँ हमें सिर्फ मानना है, उन वचनों
वचनों को अपने जीवन में फॉलो करना है, उन वचनों पर हम सभी को चलना है जो पिता ने हम सभी से कहा है। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को आंख बंद करके आपको लास्ट तक सुनना है। आपके जीवन में परमेश्वर चेंजिंग लाएगा, आपके जीवन में वो बदलाव लाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए 100% हो जाएगा। मेरे प्रियजन, इस प्रार्थना को आंख बंद करके पूरा विश्वास से सुनना है। लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है, आपको रिसीव करना है, इस प्रार्थना को हेली को महसूस करना है। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु आप महान हैं मेरे पिता, आप दयालु हैं मेरे पिता, आप करुणा निधि परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आप करुणा निधि परमेश्वर हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे यीशु पापा। मेरे प्रभु जो आपने मेरे पिता हम सभी को मेरे प्रभु जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंख के अंदर छिपा के रखा है मेरे प्रभु यीशु पापा, इसके लिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया हालेलुया। मेरे पिता कितने मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से मेरे पिता वे बिछड़ गए होंगे, वे बहुत दूर चले गए होंगे, जो कभी नहीं मिल पाते हैं। वह एक ऐसा स्थान है पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ का धुआं युगांतर उठता रहता है यीशु पापा। मेरे प्रभु जो आपने मेरे पिता हम सभी का यीशु पापा नाम लेके बुलाया है, उद्धार कर दिया है, छुटकारा कर दिया है, एक अनंत काल का जीवन दिया है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया हालेलुया। धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। पवित्र 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 मेरे पिता, हम आपके दास होने के नाते, आपके पुत्र होने के नाते मेरे प्रभु इन मसीह भाइयों के जीवन आदेश देते मेरे पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुने हैं पिता, और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करें मेरे स्वामी। मेरे पिता आपके नाम से पिता ये चंगे हो जाए, ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। मेरे पिता जो हॉस्पिटल में एडमिट, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े हैं, जो आखिरी सांस ले रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं मेरे पिता यीशु मसीह, आप इनके आंसू को पोछे मेरे पिता, इनकी बीमारियों को, तंगी को, परेशानी को आप दूर करें, इनको चंगा करें पिता। मेरे पिता किसी को कैंसर, गिल्टिया, रसोलिया, पथरिया, नाना प्रकार की बीमारियों में लिप्त है यीशु मसीह, आपके नाम से ये आजाद हो जाए बोलकर आजाद हो जाओ आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता आपने कहा है तुम्हारा छुटकारा निकट होगा मेरे पिता, यीशु पिता आपने कहा है मेरे पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो गरीब है पिता, जो लाचार है मसीह बन, जो कमाने लेने पिता, जो 100-100, 200 रुपये उधर उधर उधार ले रहे, हाथ फैला रहे मेरे स्वामी, मेरे पिता ये सबको छोड़ छाड़ के यीशु मसीह आपके पीछे आए हैं मेरे पिता, आप इनका जीवन संभाल लिए पिता, आप इनका जीवन संभाल लिए मेरे पिता, ये सबको छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे आए मेरे पिता। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे यीशु मसीह मेरे पिता, क्योंकि आपने कहा क्योंकि जो कहीं मांगता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे पिता इन्हें पवित्र आत्मा दीजिए मेरे स्वामी, मेरे पिता इनके घरों को पिता आशीषें ले ले पिता, वो गरीबी, वो तंगी, वो परेशानी दूर होने पाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए पिता, बहुत सारी जातियों को उद्धार देने बनने पाए, इनके जीवन में समस्या वो चेंजिंग आने पाए, इनके जीवन में समस्या वो बदलाव आने पाए, इनके जीवन में समस्या वो आज़ादी आने पाए समस्या के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। पवित्र पवित्र मेरे स्वामी, जो हम सभी मसीह भाई बहनों से मेरे पिता पाप गलती गुनाह हुए मेरे स्वामी, आप माफ करें, क्षमा करें मेरे पिता, क्योंकि मेरे पिता हम मानव जात पिता, हम मनुष्य निर्बल कमजोर पिता, पापों में गुनाहों में व्यभिचार में गिर सकते हैं मेरे पिता, मनुष्य निर्बल कमजोर पिता। मेरे पिता आपने कहा जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा मेरे पिता, आपने लहू से मेरे स्वामी हम सभी को शुद्ध करे पिता, पवित्र करे पिता, पवित्र करे मेरे पिता, ताकि आपके राज्य में जाने के लायक बन सके मेरे पिता। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं जो मसीह भाइयों के जीवन में गंदी आत्माएं हैं, बद्रूही चाले हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं, हर करादर के बंधन है, जादू टोना के बंधन के जीवन से मसीह इनके ऊपर कराए धरा के बंधन से मसीह के नाम से वे जल
जाएं यीशु मसीह के नाम से, जल जाएं यीशु मसीह के नाम से, जल जाएं यीशु मसीह के नाम से, पिता को से दूर खड़ कर फेंक दी जाए यीशु मसीह के नाम से। ये आजाद नहीं पाए इनके घरों में, आजादियाँ नहीं पाए इनके जीवन में, आजादियाँ नहीं पाए, ये आजाद नहीं पाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक शराब से, हर एक गंदी आत्माओं से, ये आजाद नहीं पाए यीशु मसीह के नाम से। बोलकर आजाद हो जाओ आमीन, बोलकर आजाद हो जाओ आमीन। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम से। टच मी होली स्पिरिट, टच मी होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा छू ले पिता मेरे। पिता हम प्रार्थना करते जो मसीह बाबा रात में नहीं सो पाते पिता, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है, गंदे सपने आते, ख्याल आता है, प्रभु जब लेटे यीशु मसीह तब इन्हें सुख की नींद दे पिता। मेरे पिता आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भयभीत न होगा, जब तू लेटेगा तब तुझको सुख की नींद आएगी मेरे स्वामी। इन वचनों के द्वारा पिता इन मसीह भवनों के जिनमें चमत्कार करे पिता, वो आज़ादी रिलीज करे पिता मेरे प्रभु। मुझे आशा विश्वास से पिता अपने प्राणों को सुना है ये छोटी सी विनती, उद्धार करता है यीशु मसीह के सामर्थी मीठे और पवन नाम से मांगने सुनिए और कबूल करिएगा आमीन।